हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू बीएफएक्स पेक्टिव वन सेगेन और अनरियल इंजन का बेसिक सिनेमैटिक मास्टर क्लास पे आप लोगों का स्वागत। इस पे हम कवर करेंगे डाउनलोड से लेकर इंस्टॉल से लेकर 4K एक्सपोर्ट तक अनरियल इंजन 5 के अंदर हर एक बेसिक चीज़ें जो बिगनर्स को ज़रूरत है और जो आपको अपने VFX अपने CGI काम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस चैनल पर आती रहेगी। सो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये कुछ टॉपिक्स है आज हम जो कवर करने वाले हैं वन बाई वन डाउनलोड से लेकर 4K एक्सपोर्ट तक। आप ये लिस्ट देख लेना और अगर आप कहीं पर स्किप करना चाहते हो तो कोई भी टॉपिक पे आप स्किप कर सकते हो। नीचे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप उसी टॉपिक पे डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनरियल इंजन इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत लोग पूछते हैं। सो यहाँ पे ये वाला लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, मैं आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो आराम से क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, विंडोज़, मैक एंड लिनक्स का। सो यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो रिकमेंडेड हार्डवेयर यहाँ पे आपको दिखा देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज़ होना चाहिए विंडोज़ के हिसाब से। अगर हम मैक पे जाएंगे तो इसका अलग दिखाएगा, लिनक्स पे जाएंगे तो इसका अलग दिखाएगा, ठीक है। सो आपका जो भी है आप उस पर क्लिक कर दो और आप जान सकते हो आपको कौन सा लेना चाहिए। सो विंडोज़ का है विंडोज़ 10 64-bit होना चाहिए और यह है प्रोसेसर AMD का होना चाहिए या फिर क्वाड कोर इंटेल का होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास तो अभी AMD का है। उसके बाद मेमोरी आपको मिनिमम 8GB का, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स कार्ड वीडियो कार्ड जो भी है ये वाला ऑप्शन है उसके नीचे। अगर सॉरी यहाँ पे आप जाओगे तो अगर स्पेशल चीज़ आप ढूंढना चाहते हो, जैसे कि आपको सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के बारे में जानना है कितना चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको दिखा देगा और आपका ड्राइवर का भी ऑप्शन आपको दिखा देगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं करता, इसका जो फाइल साइज है मैं आपको बता देता हूँ। शायद ज़्यादातर लोगों को टेंशन होता है कि इसका फाइल साइज कितना है, कोई बोलता नहीं है। इसका जो फाइल साइज होता है 12 से 15 GB तक होता है, ठीक है, डाउनलोड होने के लिए। तो यही है इसका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप अपने सिस्टम के हिसाब से देख लेना एक बार, ठीक है। अगर आपका विंडोज़ है, मैक है या फिर लिनक्स है, कोई भी आपका हो आप उसके हिसाब से देख लेना। इसका मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है विंडोज़ 7, उससे नीचे वाला विंडोज़ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सब कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अनरियल इंजन, ठीक है, और इसको कर देना है क्लिक। उसके बाद उसका जो होम पेज है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे उसका लोगो है और यहाँ पे उसका जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है वो सब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो डाउनलोड करने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, हमको जाना है यहाँ पे, आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, उससे पहले हमको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। सो साइन इन करने के बाद आप सिंपली जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पहले एपिक लॉन्चर जो है, जो कि अनरियल इंजन को रन करता है, वही एप्लीकेशन को पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड लॉन्चर को क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। सो फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली इस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देना है, जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। सो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का पेज आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे आपको न्यूज, सैंपल्स, मार्केट प्लेस, लाइब्रेरी, अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या क्या है हम आपको बताएंगे। सो पहले हम अनरियल इंजन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हम जाएंगे लाइब्रेरी पर,
लाइब्रेरी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इंजन वर्जन मिलेगा, उसके साइड पे एक प्लस का आइकन होगा, ठीक है। सो जब आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे इसको, तो यहाँ पे आपको प्लस साइन जो है ना, ये आपको येलो कलर पे मिलेगा, ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपको अलग अलग वर्जन का अनरियल इंजन डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने पहले से 4.26 और 5.00 जो कि लेटेस्ट है, मैं डाउनलोड करके रख दिया हूँ। थोड़ा टाइम लेता है गाइज, ठीक है, क्योंकि कोई 8 GB का होता है, कोई 12 GB का होता है, ऐसा अलग अलग वर्जन का अलग अलग साइज फाइल साइज होता है उसका, ठीक है। सो थोड़ा टाइम लगेगा, सो वेट करना। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लंच कर देना है, ठीक है। आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको इंजन वर्जन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपके पास इस टाइप का अनरियल इंजन 5 या फिर अनरियल इंजन 4 का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। सो आपको जो भी प्रोग्राम ओपन करना है उसको ओपन कर लो। सो मैं यहाँ पे अनरियल इंजन 5 लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। सो जब आप इसको पहली बार ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं, बहुत टाइम लेता है पहली बार जब ये ओपन होता है तो, ठीक है। सो ये अनरियल इंजन 5 का जो मेन पेज है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है रिसेंट प्रोजेक्ट। मतलब आप अगर पहले से ही अनरियल इंजन 5 यूज कर रहे हो या फिर कोई भी अनरियल इंजन का वर्जन यूज कर रहे हो और आप कुछ उस पर प्रोजेक्ट बना चुके हो, तो यहाँ पे आपको वो सब प्रोजेक्ट का डायरेक्ट शॉर्टकट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गेम्स। अगर आप गेम क्रिएट करते हो, गेम डेवलप करते हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। या उसके बाद हमको मिलेगा फिल्म एंड वीडियो लाइव इवेंट्स, ठीक है। ये हम लोगों का काम है गाइस, ठीक है। हम लोग वीडियो बनाएंगे, सिनेमैटिक सीन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर और ऑटोमेटिक प्रोडक्शन डिज़ाइन वगैरह सब है, ठीक है। सब अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सो हम जाएंगे फिल्म वीडियो एंड लाइव इवेंट्स पर। यहाँ पे हमको मिलेगा ब्लैंक वर्चुअल प्रोडक्शन DMX एंड इन कैमरा VFX, ठीक है। सो इसका अलग अलग यूजेस है। वर्चुअल प्रोडक्शन आपको पता होगा, जो कि अभी रिसेंटली जो LED स्क्रीन सब यूज करके किया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही एडवांस है। सो यहाँ पे हम अपने काम के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए, हम जाएंगे ब्लैंक पर, ठीक है। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे रे ट्रेसिंग क्लिक करेंगे। अगर आपको रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पे रे ट्रेसिंग क्लिक कर लो, या फिर आपको अगर नहीं चाहिए तो ऐसे ही रहना दो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लोकेशन मिल जाता है, आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करना चाहते हो और किस नेम पे सेव करना चाहते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा ट्यूटोरियल, ठीक है। सो इस पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरा सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आपको लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पे मास्टर क्लास टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं रे ट्रेसिंग क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ। सो जब आपका पहला प्रोजेक्ट ओपन होता है तो कुछ इस तरह का आपको पैनल दिखेगा, एकदम सादा सीधा सिंपल सा बच्चा टाइप का, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर हमको मिलता है फाइल, एडिट, विंडोज, टूल्स, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। राइट साइड पे यहाँ पे ये सब उस चीज़ को दिखाता है जो हमारा व्यू पोर्ट पे यूज हो रहा है, ठीक है। व्यू पोर्ट पे जो जो भी चीज़ है वो सब यहाँ पे हमको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फ्लोर है, ठीक है, सो यहाँ पे भी फ्लोर है, ठीक है। अगर हम फ्लोर को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्लोर सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, बाद में करेंगे आराम से, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, सोच लीजिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, लाइट सोर्स है, ठीक है। सो किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। सो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे उसका जो डिटेल्स वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी हम व्यूपोर्ट पे यूज कर रहे हैं उन सब का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक प्लेन है,
ठीक है, फ्लोर है। सो इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं फ्लोर सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका फ्लोर का हर एक डिटेल्स आपको मिल जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे कि इसका ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, इसका स्केलिंग कितना है, इसका रोटेशन कैसा है, ठीक है, और इसका मटेरियल ऑप्शन, कौन सा मटेरियल ऐड किया गया है स्पेशली इसी फ्लोर के ऊपर, ठीक है। और अगर हम लाइट सोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो उसका सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम अगर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेक्ट मोड। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट मोड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अलग अलग मोड पे जाने का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लैंडस्केप मोड, अगर हम लैंडस्केप मोड पे जाएंगे, एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, ठीक है, सिर्फ लैंडस्केप। अगर हम लैंडस्केप पे जाते हैं, आप देख सकते हैं ये जो मेन्यू है एकदम चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ लैंडस्केप क्रिएट करेंगे और कोई भी टूल यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से हम वापस जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट पे जाके वापस जा सकते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से फॉलियज है, मेस पेंटिंग है, फ्रैक्चर, ब्रश एडिटिंग, एनिमेशन, अलग अलग मोड पर हम विंडोज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। सो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट उसी के साइड पे यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, क्विकली ऐड टू द प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एटमोस्फेरिक फॉग, फ्लोर लाइटिंग, स्काई, जो कुछ भी है, 3D एसेट हो, लाइटिंग हो, या फिर कोई भी 3D मॉडलिंग हो, यहाँ पे आप क्विकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट कंटेंट का ऑप्शन है, मतलब आपके पास अगर कोई 3D मॉडल है, 3D प्रोजेक्ट है, किसी और सॉफ्टवेयर पे क्रिएट किया गया है, तो उसको आप यहाँ पे आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे है आपके पास क्विक्सेल ब्रिज। क्विक्सेल ब्रिज क्या है आपको पता होगा, बहुत ही प्यारी चीज़ है अनरियल इंजन के लिए, हम उसके बारे में बढ़िया से बताएंगे, आगे आगे आप देखते रहिए, ठीक है। उसके नीचे अनरियल इंजन मार्केट प्लेस, कंटेंट ब्राउजर और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको देख सकते हैं। लाइट्स का ऑप्शन है, सिनेमैटिक ऑप्शन है, शेप्स का ऑप्शन है, सब कुछ हम यूज करेंगे। आप बस वीडियो पे बने रहिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पे आपको मिलता है सीक्वेंस का ऑप्शन, जिससे हमारा Adobe Premiere Pro पे सीक्वेंस का ऑप्शन मिलता है। हम वहाँ पे एक के बाद एक शॉट डालते हैं और उसको कट पेस्ट करके एडिट करते हैं, उसी टाइप का ये सब चीज़ है, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पर, यहाँ पे हमको कॉन्टेंट ब्राउजर मिलता है, ठीक है। कॉन्टेंट ब्राउजर पर क्या है, अनरियल इंजन के अंदर जो जो डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है ऑप्शंस, जैसे कुछ पार्टिकल्स हमको मिलता है, कुछ वाटर सिमुलेशन मिलता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमको मिलेगा। या फिर हम अगर क्विक्सेल ब्रिज से या फिर कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हम ऐड करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, सब कुछ यहाँ पे ऐड होता जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आप यहाँ से डिलीट भी कर लो तो वो चीज़ यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। क्या पता आप यहां से डिलीट कर लिए और आपको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अगर यहां से कुछ चीज़ डिलीट भी कर लोगे तो यहां पे वो चीज़ आपको मिल जाएगा, आप दोबारा यहां से लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है टोटल अनरियल इंजन का जो पेज है उसका डिटेल्स। अभी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, ये इमेज मैं आपको दे देता हूं, आप इसको डाउनलोड करके रख लेना, कभी भी आप देख सकते हो, या फिर शॉर्टकट बहुत ही ईजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमें यहाँ पे इसको रोटेट करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये कैसे हो रहा है, माउस का लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर हम ऑल्ट प्रेस करके माउस को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से 360 रोटेट हो रहा है, ठीक है, और ये चारों तरफ से रोटेट होगा गाइस। अगर आप ऑल्ट क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये रोटेट होगा रैंडमली, ठीक है। उसके बाद अगर हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके माउस को आगे पीछे लेंगे, क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन, ठीक है, आगे पीछे लेंगे तो ये इस तरह से आप कोई भी डायरेक्शन पर ले सकते हो, ठीक है, जैसे आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन पे ले सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ माउस पे हमको
बीच में और एक व्हील मिलता है या फिर बटन मिल जाता है, अगर आप उसको प्रेस करते हो और ऊपर नीचे करते हो तो ये कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा। ठीक है, याद रखिए ये है माउस का मिडिल वाला जो व्हील होता है, जो चक्का टाइप का होता है या फिर कुछ बटन होता है बीच में, दोनों लेफ्ट और राइट बटन के बीच में जो होता है वही वाला, उसको प्रेस करके ऐसे करने से आप ऊपर नीचे इसके जा सकते हो। ठीक है, और एक ऑप्शन है, अगर आप राइट क्लिक करोगे माउस का तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सो आप अलग अलग माउस का जो बटन है और यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल अल्ट ये सब है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, कोई भी आपको रुकने वाला नहीं है। ठीक है, या फिर कोई यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो जाएगा, अगर आप कुछ गलत यहाँ पे क्लिक कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो जब आप अनरियल इंजन ओपन करते हो तो आपको कुछ डिफ़ॉल्ट सा इस तरीके का लाइट सेटअप मिलता है। ठीक है, लाइट सोर्स, स्काई स्पीयर और एटमोस्फेरिक फॉग, जो कि अच्छा नहीं लगता है। आप अगर चाहो तो प्रैक्टिस बेसिस पे इसी पे कर सकते हो काम, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से रियलिस्टिक रिजल्ट चाहते हो, लाइट रिजल्ट, तो आपको खुद का लाइट सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम आपको बताएंगे। सो हम यहाँ पे जाएंगे क्विक ऐड टू प्रोजेक्ट। ठीक है, हम आपको दो ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, एक जो रेगुलरली लोग यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, उसके बाद और एक यहाँ पे ऑप्शन है। विंडोज़ पे जाने के बाद हमको यहाँ पे एनवायरमेंट लाइट मिक्सचर मिलता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सो पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं कैसे हम लाइट सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम जाएंगे, नया लेवल क्रिएट करेंगे, या तो आप इन सब को डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल ए करके डिलीट कर देना है। ठीक है, या फिर आप जा सकते हो फाइल पर, न्यू लेवल, एंड देन यहाँ पे आप एम्प्टी लेवल ले लो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी लाइट सेटअप नहीं है, तो हम अभी यहाँ पे वन बाय वन लाइट सेटअप का हर एक चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, सो पहले हम जाएंगे यहाँ पे और जाएंगे लाइट पर। लाइट पर जाने के बाद डायरेक्शन लाइट, इसको कर देना है मूवेबल। अगेन लाइट पर जाने के बाद, हमको एक स्काई लाइट भी लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लेके इसको भी मूवेबल कर देंगे। अगेन हम जाएंगे विजुअल इफेक्ट पर और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्काई एटमोसफियर। ठीक है, और इसको कर देना है मूवेबल। अगेन हम विजुअल इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ क्लाउड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लाउड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड्स और बाकी लाइट्स तो हो गया, लेकिन हमारा जो ज़मीन है, जो फ्लोर जो है, जो भी है, वो बहुत ही गंदा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एटमोस्फेरिक फॉग ऐड करेंगे। सो जाएंगे विजुअल इफेक्ट पर, अगेन एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग। ठीक है, बस यही चीज़ है, लाइट सेटअप ख़त्म। अगर आप कंट्रोल एल प्रेस करोगे और माउस को मूव करोगे तो आपको लाइट का डायरेक्शन जो है चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, बस कंट्रोल एल प्रेस करो और माउस को किसी भी डायरेक्शन पे आप घुमाओ। ठीक है, सो मैं कुछ इस डायरेक्शन पे रखता हूँ। ठीक है, और अगर मैं जाऊँगा स्काई लाइट पर और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है रियल टाइम कैप्चर। ठीक है, इसको हमें कर देना है ऑन, ताकि हमें जो क्लाउड्स के साथ लाइट जो रिएक्ट करेगा ना, उसका रियलिस्टिक रिजल्ट हमको मिले, जैसे हमको रियल लाइफ में मिलता है। ठीक है, सो यह रहा हमारा लाइट सेटअप। और एक चीज़ हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या देता है आपको खुद पता चल जाएगा। हम जाएंगे यहाँ पर विजुअल इफेक्ट के अंदर, हमको एक ऑप्शन मिलता है पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम। ठीक है, हम इसको ऐड कर दिए और अभी हम यहाँ पे जाएंगे इसका डिटेल्स पैनल पर, एक्सपोजर ऑप्शन हमको मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कर देना है क्लिक, और अगर नीचे जाएंगे तो हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सपोजर का। ठीक है, सो यहाँ पे हमें अप्लाई कर देना है 1 by 1। ठीक है, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, बस देखते जाइए। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे अनबाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी एक्सटेंड, जो कि है अनबाउंड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हो हमारा जो एक्सपोजर था
लाइट का जो मतलब कि इंटेंसिटी था अभी वो कंट्रोल में आ गया है। ठीक है, आपको चेंजेस दिखा देते हैं। ये रहा बिना पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम का, और ये रहा वो इफेक्ट ऐड को होके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ही बढ़िया दे रहा है। ठीक है, मतलब इसको ऐड करने से, पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम को ऐड करने से हम अपने एक्सपोजर को कंट्रोल पे ले आते हैं, जैसे हम रियल लाइफ में लाइट को देखते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लाइट सेटअप। सो यही सब चीज़ बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा भी टाइम टेकिंग नहीं है, ये इतना नहीं है कि 2-3 घंटा लगेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे और एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं इन सब को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, उसके बाद मैं अगर जाऊँगा विंडोज़ पे और यहाँ पे मुझे मिलेगा एनवायरमेंटल लाइट मिक्सचर, इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना हम लाइट सेटअप यूज किए थे सारा का सारा यहाँ पे है। तो आपको बस यहाँ पे 1 by 1 क्लिक करते जाना है और वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, स्पेशली एनवायरमेंट लाइट को क्रिएट करने के लिए ये पैनल बनाया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट क्लिक करते जाएंगे, जैसे स्काईलाइट, एटमोस्फेरिक लाइट, देन वॉल्यूम क्लाउड, अगेन हाइट फॉग। ठीक है, और एक स्काई एटमोसफियर। सो हो गया हमारा काम। ठीक है, सो यही सब है। और यहाँ पे अगर आप इसको मैक्सिमाइज कर दोगे तो बाकी सारा ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, सो ये रहा 2 प्रोसेस डे लाइट क्रिएट करने का। ठीक है, और यहाँ पे भी आप सेम तरीके से कंट्रोल एल कंट्रोल एल प्रेस करो और माउस को मूव करो कोई भी डायरेक्शन पे, आप कोई भी डायरेक्शन में लाइट का सेटअप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे क्लाउड पे भी देख सकते हो लाइट का जो रिएक्शन है बहुत ही बढ़िया तरीका से यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, उसका शेडो भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो यही है लाइट प्रोसेस। सो अगर आप Unreal Engine 5 के अंदर कोई एक्सेल ब्रिज का मेगा स्कैन लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो तो आपको कोई अलग सा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि Unreal Engine 5 का जो लेटेस्ट वर्जन है इस पे आपको यहाँ पे पहले से ही क्विक्सेल ब्रिज का ऑप्शन मिल जाता है, आपको कोई भी अलग सा क्विक्सेल ब्रिज इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले वाला क्या था, अलग सा क्विक्सेल ब्रिज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता था, उसको इंस्टॉल करना पड़ता था उसी लॉगिन आईडी पर साइन इन करके। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमको मिल जाता है क्विक्सेल ब्रिज का ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जो कि सिंपल है, क्विक्सेल ब्रिज का लाइब्रेरी जो है आपके पास आ जाएगा, उसी के अंदर ही Unreal Engine के 5 के अंदर ही एक ऑप्शन है। ठीक है, आपको कोई भी अलग सा इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्ट करने से पहले बस आप एक बार जाके आपका जो Unreal Engine का लॉगिन आईडी है गूगल के थ्रू से या फिर एपिक गेम का जो आईडी है उसके थ्रू से आप यहाँ पे लॉगिन कर लो एक बार। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। ठीक है, सो उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी एसेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको 3D मॉडल का सब ऑप्शन मिलेगा, जैसे 3D एसेट्स है, 3D एसेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे बिल्डिंग का, फूड का, हिस्टोरिकल, इंडस्ट्रियल, नेचर्स, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे 3D स्कैन मिल जाएगा। और ये लो क्वालिटी से लेके हाईएस्ट क्वालिटी तक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, हम चूज करते हैं रॉक। ठीक है, उसके बाद हम इसको चूज करते हैं बोल्डर और इसको चूज करते हैं। सो यहाँ पे आप कोई भी आप एक सिलेक्ट करो। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, हम लोग देखते नहीं हैं, लेकिन आप अगर सीरियसली कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी एनवायरनमेंट बना रहे हो, तो ये चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा इंसान है। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो बड़ा सा स्पेस बार है, ये स्पेस बार है, ये 3D एसेट। ठीक है, मतलब ये 3D एसेट को अगर रखा जाए इंसान के सामने तो ये 3D एसेट जो है, ये पत्थर जो है इतना बड़ा है। ठीक है, हम और एक रॉक लेके लेते हैं,
ठीक है, और एक पत्थर लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो साइज़ है छोटा हो गया, ठीक है, मतलब ये जो पत्थर है इंसान से छोटा है, इतना छोटा है, ठीक है। सो ये हमको साइज बताता है कि पत्थर का साइज या फिर कोई भी 3D एसेट का साइज इंसान के हिसाब से कितना है, ठीक है। सो इसे थोड़ा ध्यान से रखो, और इसको ध्यान पे रख के अगर आप यूज करते हो तो रिजल्ट हमको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि स्केलिंग के हिसाब से हमारा हर एक एसेट यूज किया जा रहा है, ठीक है। इंसान का जो हाइट होता है उसके हिसाब से हम सारा का सारा एसेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो यही ऑप्शन है। उसके बाद हम अगर नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको उसी तरीके का कुछ एग्जांपल्स दिखेगा अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पे एक आपको इमेज मिलेगा जो कि इस पत्थर को यूज करके किया गया है, एक एग्जांपल, ठीक है। और आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि उसी पत्थर को यूज करके क्या बनाया गया है और कितना रियलिस्टिक रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे जस्ट अगर हम जाएंगे उस वहाँ पे आपको एक क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, जैसे मीडियम क्वालिटी से लेकर, सॉरी एक मिनट, जैसे कि लो क्वालिटी से लेकर नेनाइट तक का आपको ऑप्शन मिलता है। नेनाइट जो है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट डिटेल के साथ आपको रिजल्ट देता है। साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इसका फाइल साइज़ जो होता है ना इसका थोड़ा बड़ा होता है इसका, सो डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है। और लो क्वालिटी है सबसे लो MB वाला, और क्या, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको सबसे लो क्वालिटी यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो बस लो क्वालिटी को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। सो डाउनलोड हो जाने के बाद उसी के जस्ट राइट साइड पे आपको और एक ऑप्शन कलरफुल होके निकल जाएगा, ठीक है, जो कि ऐड। ऐड क्लिक करने से क्या होगा, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम ऐड पे क्लिक करेंगे, ये जो एसेट है अनरियल इंजन के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है, जैसे कि ये वाला प्रोजेक्ट है मेरा अभी रन हो रहा है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं अगर इस एसेट को ऐड कर दूंगा तो ये डायरेक्ट मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो इसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है। सो मैंने ऐड कर दिया है, सो इसको हम अभी डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है, ठीक है। सो आप सिंपली अभी हम सिंपली इस पर काम कर सकते हैं गाइज, जैसे कि हम इसको मूवेबल कर देते हैं पहले, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पहले मूवेबल कर लो ताकि इसका रिजल्ट हमको अच्छे तरीके से डायनेमिकली दे सके, ठीक है। सो उसके बाद हम यहाँ पे स्केल भी चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो ये एक ही डायरेक्शन पे इसका जो स्केल है चेंज हो रहा है, ठीक है, XY और Z डायरेक्शन पे अलग अलग डायमेंशन पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इसको अगर आप सेम वैल्यू पे तीनों डायरेक्शन पे अगर चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे एक लॉक ऑप्शन है, इसको लॉक कर दो और उसके बाद इसको इंक्रीज करो, ठीक है। तो ये चारों तरफ एक ही वैल्यू पे इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर आपको रोटेट करना है सिंपली यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हो यहाँ पे वैल्यू चेंज करके, या फिर आपके पास और एक ऑप्शन है यहाँ पे गाइस, ठीक है। आप सिंपली एसेट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे अगर आप रोटेट करोगे तो आप फ्रीली रोटेट कर सकते हो कोई भी डायरेक्शन पे, ठीक है, XY Z एक्सिस कोई भी डायरेक्शन पे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये है एक 3D एसेट हम इंपोर्ट किए हैं। सो अभी हम एक सरफेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे एक लैंडस्केप होगा वो हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस पर हम क्विक्सेल ब्रिज का कुछ एसेट यूज करेंगे, ठीक है। सो मैं जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पे हमें मिलता है लैंडस्केप का ऑप्शन, ठीक है। सो मैं अभी क्लिक करूँगा लैंडस्केप पर, उसके बाद मेरे पास एक ह्यूज सा लैंडस्केप क्रिएट होने वाला है बस एक ही बटन से, ठीक है। सो मैं जाऊँगा यहाँ पर और कर दूँगा क्रिएट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा लैंडस्केप क्रिएट हो चुका है। सो मैं अगर नीचे जाऊंगा
ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, सो ये जो हमारा 3D asset है इसको अभी के लिए थोड़ा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो अभी हम हमारा जो लैंडस्केप है इस पर हम मटेरियल ऐड करेंगे, हमें जैसा सीन चाहिए उसी के हिसाब से हम ऐड करेंगे। ठीक है, सो सिंपली हम जाएंगे अगेन क्विक्सेल ब्रिज पर, उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे मिलेगा सरफेस का ऑप्शन। ठीक है, हम हर एक ऑप्शन का यूज करेंगे गाइज, डोंट वरी। ठीक है, 3D asset का आपको बता दिया, 3D plans सरफेस का यूज़ करेंगे अभी, decals का, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, हर एक चीज़ का हम यूज करेंगे। ठीक है, सो अभी हम जाएंगे सरफेस पर, और मैं अपना ग्राउंड को कुछ कैसा सीन बनाए चाहते हैं, कोल पर मैं कुछ कोल टाइप का ग्राउंड बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कोयला का खदान होता है उस टाइप का, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी है, सो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं यूज करूँगा, मैं ये वाला यूज करूँगा। ठीक है, पाउडर कोल एंड सॉइल, सिंपली आप यहाँ पे अपना क्वालिटी चेक कर लो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लो क्वालिटी ले रहा हूँ, आप हाईएस्ट क्वालिटी पे ले सकते हो सबसे बेहतरीन रिजल्ट के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ लो क्वालिटी और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सो डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको कर देना है एक्सपोर्ट, इसको क्लिक करके। सो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हो गया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, और मुझे अपना मटेरियल कहाँ मिलेगा, मैं अगर जाऊँगा कंटेंट ब्राउजर पर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ऑल के अंदर एक फोल्डर मिलेगा कंटेंट, कंटेंट के नीचे आपको और एक फोल्डर मिलेगा मेगास्कान, मेगास्कान के अंदर वो सब चीज़ें आएगा जो आपको एक्सेल ब्रिज से डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम इससे पहले एक 3D asset डाउनलोड किए थे पत्थर का, वो इसके अंदर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, सो अभी हम एक सरफेस डाउनलोड किए, तो हम जाएंगे सरफेस पर यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर है हमारा सरफेस का ऑप्शन, ठीक है, जो हम अभी डाउनलोड किए हैं। सो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली इस मटेरियल को करो सिलेक्ट, सिलेक्ट हो गया, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे लैंडस्केप को, उसके बाद हम लैंडस्केप के नीचे जो डिटेल पैनल है उसके नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हमको ऑप्शन मिलेगा लैंडस्केप मटेरियल का, सो यहाँ पे सिंपली कर देना है क्लिक, इस एरो मार्क पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद वो मटेरियल ऑटोमेटिक आपके लैंडस्केप पे अप्लाई हो जाएगा गाइस। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये कुछ टाइलिंग टाइप का इफेक्ट दे रहा है, रिपीट एंड रिपीट। ठीक है, सो इसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर आप लैंडस्केप मटेरियल पे यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टाइलिंग ऑफसेट का। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन भी यहाँ पे है, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आज बस आपको बेसिक दिखा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम यहाँ पे हमारे पास टाइलिंग का ऑप्शन है, सो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इस तरह से और इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमको टाइल एक्स टाइल वाई का ऑप्शन मिल जाता है। सो इसको अगर हम वैल्यू करेंगे ऐड 0.1 by 0.1, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो ग्राउंड है थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो स्केल है थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, सो टाइलिंग का वैल्यू अगर हम कम करेंगे तो व्यू पोर्ट पर हमारा जो साइज है सरफेस का वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेच हो जाता है। सो शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक से देख लेते हैं, नहीं ठीक है। ठीक है, सो ये रहा हमारा ग्राउंड। सो इस पे हम कोई भी 3D asset अभी यूज कर सकते हैं। सो अभी हम जानेंगे मार्केट प्लेस के बारे में, क्या है मार्केट प्लेस। जैसे आप अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो और उस पर आपको कोई 3D asset का या फिर कोई इफ़ेक्ट का आपको ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, और आप इंस्टेंटली कोई भी
3D आर्टिस्ट या फिर किसी को हायर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस का हेल्प मिल सकता है, ठीक है। सो सिंपली आप अपना जो अनरियल इंजन का प्रोग्राम है उसको क्लोज करो, ठीक है, उसको ओपन मत रखना, उसको पहले बंद कर देना, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट फाइल जो है उसको सेव कर लो और उसको क्लोज कर दो। उसके बाद एपिक गेम का जो लॉन्चर है हम जो स्टार्टिंग पे इंस्टॉल किए थे उसको आप ओपन करो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाओ मार्केट प्लेस पर, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, आप कोई भी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, गेमिंग पे या फिर आप सिनेमैटिक वीडियोस बनाने पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है, ठीक है, और इनका प्राइस भी है 3000 रुपीज़। उसके नीचे नीचे जाएंगे तो और भी बहुत सारे क्रिएचर्स है, यहाँ पे एक क्रिएचर है इसका प्राइस है 600, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कोई एक प्रोडक्ट में सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए एक कार, ठीक है। सो कार सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन मुझे चाहिए फ्री पे, अगर फ्री का होगा तो मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। सो मैं जाऊँगा शॉर्ट बाय पर और यहाँ पे मैं लो टू हाई क्लिक कर दूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ फ्री ऑप्शंस हमें मिल जाता है, ठीक है। सो ये वाला जो है मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, सो मैं इसको कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से वर्जन पे ये सपोर्ट करेगा, आपको यहाँ पे दिखा देगा। सो यहाँ पे 5.0 भी है, सो मैं इजीली इसको यूज कर सकता हूँ। सो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूँगा क्रिएट प्रोजेक्ट, मैं इसे पहले से ही डाउनलोड कर लिया हूँ, ठीक है। सो ये ज़्यादा डाउनलोड होने में टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। सो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अलग सा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो भी वर्जन है आप सिलेक्ट कर लो, मैं 5.0 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा क्रिएट, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट करने में। सो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, सो यहाँ पे हमको कर देना है अपडेट, ठीक है। सो सिंपली जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है उस तरीके से आप इसको मूव करो, और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा का सारा पहले से ही ऐड किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक चीज़ का यहाँ पे स्पेशल फोल्डर है इस पर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। सो आप यहाँ पे मूव करके देख सकते हो और इसी को आप यूज कर सकते हो आप अपने काम पे चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लैंडस्केप है, आप देख सकते हैं दूर दूर पे लैंडस्केप है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार है, और नीचे जो है सॉल्ट लेक है, सॉल्ट लेक बोलते हैं इसको, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और आप इसका जो लाइट का डायरेक्शन है आप चेंज कर सकते हो, जैसे हम आपको बताएं कंट्रोल एल प्रेस करना है और माउस को मूव करना है, तो ये कुछ इस तरीके से लाइट का डायरेक्शन मूव होगा और रिजल्ट भी आपको दिखाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कैमरा है, सो हम देखते हैं कैमरा व्यू पे कि ये कैसे दिखेगा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक कैमरा को सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे स्नैप ऑब्जेक्टिव व्यू, ठीक है। और उसके बाद हम अगेन यहाँ पे जाएंगे सिनेमैटिक पर और अगेन कैमरा को सिलेक्ट कर देंगे। सो ये है डिफ़ॉल्ट कैमरा व्यू, ठीक है, और ये जो है जो प्रोजेक्ट जिसने बनाया है वो डिफ़ॉल्ट कैमरा इस पर डाला हुआ है, ठीक है, वो उसका अपना कैमरा डाला हुआ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था छोटा सा प्रोसेस कैसे आप मार्केट प्लेस से कोई भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम जानेंगे वाटर सिस्टम के बारे में अनरियल इंजन 5 के अंदर, कैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे, कैसे हम अलग अलग सीन पे इसको यूज कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बेसिक सा जो लाइट सेटअप है आपने सीखा होगा अभी अभी, वैसा मैंने एक लाइट सेटअप कर लिया है। तो वाटर ऐड करने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा एडिट पर, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा प्लगइन पर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है वाटर, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वाटर का, इसको कर देना है क्लिक,
क्लिक करने के बाद आपको एक विंडोज मैसेज आएगा, इसको कर देना है यस। उसके बाद आपको कर देना है रिस्टार्ट, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आप सेव कर लो ताकि ये बाद में खो ना जाए। तो अभी हम काम कर रहे हैं वाटर के ऊपर, तो मैं इसको वाटर के नाम पर रीनेम कर दिया, इसको कर देता हूँ सेव। सो रिस्टार्ट होने हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको कर देना है क्लोज, और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया है, ठीक है। सो अभी मैं अगर जाऊँगा यहाँ पर और मैं जाऊँगा ऑल क्लासेस पर, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सारा का सारा जो वाटर का फीचर्स है आ गया है। बस मुझे अभी क्रिएट करना है वाटर का, कोई रिवर हो या फिर ओशन हो, जो भी है हम अभी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो पहले हम इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। सो वो हमने सेव करके रखा था, हमारा जो प्रोजेक्ट था हम उसे ओपन करते हैं, ठीक है। ये वाटर वाला था, वाटर के नाम पे हम सेव किए थे। सो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा लाइव सेटअप। सो अभी हम पहले क्रिएट करेंगे एक लैंडस्केप, उसके ऊपर हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं सिलेक्ट मोड पर, और उसके बाद हम जाएंगे लैंडस्केप पर। लैंडस्केप पर जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे कर लो क्रिएट। क्रिएट करने के बाद आपके पास एक मैसिव सा लैंडस्केप आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्कल्प्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करना है वो भी आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा स्कल्प्ट का ऑप्शन, ठीक है, बस इसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप का ब्रश ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रश साइज मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये ब्रश देख रहे हैं आप, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो इसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर है यहाँ पे उसका जो इंटेंसिटी, ठीक है, किसका कितना उसका इंटेंसिटी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहले क्रिएट करेंगे एक रिवर क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक नदी क्रिएट करेंगे हम। तो उसके लिए एक नदी टाइप का एक पाथ क्रिएट करते हैं। सो मैं सिंपली ब्रश को ऐसे, सॉरी, शिफ्ट क्लिक करके इस तरह से मैं ब्रश कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा पाथ मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। शिफ्ट क्लिक करके अगर आप प्रेस करोगे तो आपको ये जो स्कल्पटिंग है ये नीचे तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल प्रेस करते हो ब्रश तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर तरफ ये स्कल्पटिंग होगा, ठीक है। इससे आप पहाड़ बना सकते हो, माउंटेन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इस पर ऐड करेंगे हमारा वाटर, ठीक है। सो हम चलते हैं सिलेक्ट पर, सॉरी सिलेक्ट पर। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे अगेन और ऑल क्लास पे सिलेक्ट करके हम सर्च करेंगे वाटर। सिंपली आपको टाइप करना है, ठीक है। वाटर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे वाटर बॉडी रिवर सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आप देख सकते हैं एक वाटर सिस्टम आ गया, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। सो इसको कर देना है मूवेबल, और इसका जो साइज है हम कर देते हैं 5। उसके बाद आपका जो वाटर सिस्टम है इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और आपका नदी रेडी है, नदी रिवर जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप जूम करो तो आपको इसका जो डिटेल्स है बहुत ही बढ़िया ये सिमुलेट भी हो रहा है। सो सिंपल है, आप इस पे अलग अलग साइड पे ब्रश स्कल्पटिंग कर सकते हो, ब्रशिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वाटर को थोड़ा इधर ले आते हैं और थोड़ा इधर। उसके बाद मैं फिर से जाऊंगा लैंडस्केप पर थोड़ा सा डिजाइन करने के लिए, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा, और कहीं पे भी मैं ब्रश कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। आप अपने हिसाब से डिजाइन करो, टाइम लो डिजाइन करो, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, ठीक है। टाइम लो और अपने हिसाब से आप डिजाइन करो, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वाटर है यहाँ पे एंड हुआ है। तो सिंपली हम इस वाटर सिस्टम जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कुछ इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
सो अभी हम यहाँ पे एक ओशन क्रिएट करेंगे, चारों तरफ समंदर होगा और बीच में एक लैंडस्केप होगा, ठीक है, मतलब कि थोड़ा छोटा सा आइलैंड टाइप का होगा। हम एक वीडियो बनाए थे, आप ये वाला वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, अगर आप ज़्यादा डिटेल में बनाना चाहते हो तो। और आज का वीडियो तो बस बेसिक है, ठीक है। सो चलिए पहले हम जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम जाएंगे ऑल क्लासेस पर और टाइप करना शुरू करेंगे वाटर। उसके बाद हम यहाँ पे वाटर बॉडी ओशन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ओशन आपके पास आ गया है। सो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड, ठीक है। सो इस लैंडस्केप को हम थोड़ा आइलैंड टाइप का शेप देने वाले हैं। तो पहले हम ये जो हमारा ओशन है इसका पोजीशन यहाँ पे जीरो कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये अपना सही पोजीशन पे आ जाए। और उसके बाद ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना वाटर का, इसको हम बीच में ले आएंगे और इसका जो साइज है कर लेंगे जीरो। हो गया ख़त्म। अभी हम जाएंगे सिलेक्ट मोड पर और सिलेक्ट करेंगे लैंडस्केप। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा स्कल्पटिंग करना स्टार्ट करेंगे, एक आइलैंड टाइप का क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे ब्रश करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप टूल स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 0.5 लूँगा और इसको ले लूँगा 0.1। और इस तरह से आप आराम से शिफ्ट प्रेस करके करना है ताकि ये नीचे तरफ स्कल्प्ट हो जाए, ठीक है। और अगर आप बिना शिफ्ट करके नॉर्मली अगर यहाँ पे ब्रश करोगे तो ये ऊपर तरफ हो जाएगा, ठीक है। आप अपना टाइम लो और आराम से करो। मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ कैमरा को ताकि हमको इसका शेप सही तरीके से दिख सके कि क्या हम बना रहे हैं, ठीक है। सही है, और थोड़ा काम करना है। हम कुछ इस टाइप का एक टाइप का शेप का बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये सही लग रहा है मुझे, और इसको थोड़ा डिक्रीज करके मैं यहाँ पे आप अपना टाइम लो गाइस और आराम से बनाओ ब्यूटीफुल सा, ठीक है। मैं ये रखूँगा अपना जो आइलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर लेते हैं, नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया, तो चलते हैं नीचे। यहाँ पे कैमरा स्पीड थोड़ा स्पीड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आइलैंड, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर तरफ स्कल्पटिंग कर लेते हैं, जस्ट सिंपली ब्रश कर देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये हो गया हमारा आइलैंड, ठीक है, सिंपल सा आइलैंड हो गया। हम उस तरफ चलते हैं, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं ये जो वाटर है इसका जो टाइलिंग है बहुत ही लार्ज स्केल में है, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली आपको वाटर को सिलेक्ट करना है और आपको जाना है नीचे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेब सोर्स, ठीक है। या तो आप इसको नन पे रख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं छोटा छोटा सा वेव्स है, ठीक है। या फिर आप वाटर वेव्स एसेट रेफरेंस को भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं आप। तो मैं इसको नन रखता हूँ, और मैं अगर इसके नीचे जाऊँगा, तो ये आप देख सकते हैं
नीचे तरफ से भी आप कुछ अगर शूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आता है ना वो आपको मिल जाता है। ठीक है, सो ये रहा एक आइलैंड अगर आप बनाना चाहो तो। और आपको अगर एक अनरियल इंजन पे स्पेशल एक आइलैंड बनाना है डिटेलिंग के साथ ना, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखना गाइज, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो ये रहा ओशन के ऊपर। और इसी तरह से आप ओशन का जितना भी वाटर का जितना भी ऑप्शन से आप यूज़ करके देखो, बहुत ही यूजफुल है। अभी तक मैंने आइलैंड और कुछ रिवर्स ओशन ये सब का मैंने यूज़ किया है। सो अभी हम जानने वाले हैं अनरियल इंजन का सबसे बेस्ट पार्ट के बारे में, जो कि है सिनेमैटिक। आप लोगों ने लाइट सेटअप कर लिया, एनवायरनमेंट बना लिया, और अभी आप चाहते हो उसको 4K क्वालिटी पे एकदम सिनेमैटिक के हिसाब से एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सो उसके लिए हमको चाहिए पहले एक कैमरा, हमको रियल लाइफ पे भी एक कैमरा चाहिए होता है, उसके बाद ही हम उसको शूट करते हैं, रेंडर करते हैं। ठीक है, वो जो भी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट है, इसको मैंने अनरियल इंजन मार्केट प्लेस से डाउनलोड किया है, फ्री है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस नाम पे। ठीक है, सो उसके बाद आप एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कैमरा आइटम नहीं है, यहाँ पे एक है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, सो अभी मेरे पास कोई भी कैमरा आइटम नहीं है। ठीक है, बस लाइट सेटअप है और ये एनवायरनमेंट है। सो हमको जाना है यहाँ पर। यहाँ पे जाने के बाद अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पैनल मिलेगा सिनेमैटिक के नाम पर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम जाते हैं सिने कैमरा एक्टर चूज करते हैं तो हमें यहाँ पे एक वर्चुअल कैमरा आपके पास आ जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है यहाँ पे शो हो रहा है। सो इसको हम एक अलग फोल्डर पे रख लेते हैं। सो यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक कैमरा के ऊपर, राइट क्लिक, उसके बाद इस पर कर देते हैं मूव टू, और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे कैमरा। ठीक है, सो अभी जो भी कैमरा होगा, जो भी हम जितना भी हम कैमरा अभी क्रिएट करेंगे 2, 4, 5, ठीक है, सब यहीं पर ऐड होता जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा कैमरा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले हमको दिख रहा है उसी कैमरा का, हम इसको चेंज करेंगे, अभी हम जिस व्यू पे है उसी व्यू पे लाएंगे अपने कैमरा को। ठीक है, सो उसके लिए क्या करना है, अपने कैमरा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे करना है राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे कर देना है स्नैप ऑब्जेक्ट टू व्यू। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस व्यू पे हम हैं उसी व्यू पे कैमरा आ गया है। उसके बाद स्क्रीन को हम बड़ा करेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे। सो उसके लिए जाना है हमको पर्सपेक्टिव पर, और यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है सिनेमैटिक, उसके बाद फिर से हमको जाना है पर्सपेक्टिव पर, उसके बाद फिर से हमको सिलेक्ट कर देना है हमारा कैमरा। यहाँ पे आपको अपना कैमरा दिख जाएगा। ठीक है, सो सिंपली क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके पास आपका कैमरा व्यू आ जाएगा, और उसका डिटेल्स जैसे कि हमने बताया था उसके नीचे होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको मिलेगा कैमरा ऑप्शन, इसको आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको रिजोल्यूशन चाहिए, जिस टाइप का आप कैमरा लेना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे फुल फ्रेम है, IMAX का है और DSLR का भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 16:9 DSLR चूज करूँगा, और लेंस के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है यूनिवर्सल जूम, सो आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, जैसे 50mm प्राइम लेंस होता है, 30mm है, 200mm है जूम लेंस है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लूँगा 30mm का। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो गया है। सो आप सिंपली आप कोई भी पोजिशन पर रखो इसे, मैं थोड़ा इस पेड़ के ऊपर रखूँगा, पेड़ के ऊपर नहीं, यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह, हाँ यहाँ पे एक लाइट है, इसके पास मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको शॉट लेके दिखाता हूँ कैसे आपको एक शॉट रेंडर करना है। सो थोड़ा सा लाइट सेटअप कर देते हैं, वही कंट्रोल एल प्रेस करके। सो अभी मैं क्या करूँगा, लाइट को जो है थोड़ा और ब्लर करूँगा। ठीक है, सो उसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना कैमरा यहाँ पर,
और मैं अगर नीचे जाऊंगा तो कुछ और ऑप्शंस हमको मिलता है। ये जैसे हो गया कैमरा सिलेक्शन, लेंस सिलेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा फोकस सेटिंग। ये क्या है, यहाँ पे आपको एक ड्रॉपर मिलता है, आप जो ऑब्जेक्ट को आप फोकस करना चाहते हो उस पर आपको सिंपली ड्रॉप कर देना है। जैसे मैं अभी इस लाइट को फोकस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर लिया। फोकस करने से क्या होगा, रेस्ट ऑफ द एरिया वो ब्लर हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा रियल लाइफ में भी कैमरा पे किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो उसका बाकी जो पार्ट्स है जो बैकग्राउंड पे होता है वो सब ब्लर हो जाता है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ड्रॉपर लेना है। और अभी मैं अगर ये हाउस को है, ठीक है, ये जो घर है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये जो हमारा लैम्प है ये ब्लर हो गया है। इसी तरह से काम करता है गाइस। और आप यहाँ पे भी अपने कैमरा को मूव कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं एक शॉट लेके दिखाऊंगा आपको, एक सिनेमैटिक शॉट। सो पहले और कुछ सेटिंग्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास और एक चीज़, यहाँ पे अगर हम फोकस सेटिंग के नीचे यहाँ पे हमको एक चीज़ मिलेगा, ड्रॉ डीवॉक फोकस प्लान, ठीक है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक कॉलर आ जाएगा, एक रंग आ जाएगा हमारे पास। ये क्या है, किस एरिया तक आपका फोकस रहेगा, ठीक है। जैसे हम ये देखिए, ये जो लाइट है अभी कवर हो चुका था, सो इसको हम बस इसी को सिलेक्ट करेंगे और बाकी एरिया पिंक रहेगा, मतलब बाकी एरिया अभी ब्लर रहेगा, ठीक है। सो आपको दिखा देते हैं इसको अनचेक करके, ठीक है। सो फिर से अगर हम इसको पूरा, सॉरी, इसको यहाँ तक ले आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ तक आप देख सकते हैं ये जो लैंटर्न है, जो लैंप है, ये भी ब्लर हो चुका है। सो आप आई ड्रॉपर भी यूज कर सकते हो या फिर आप ये जो कलर है डीवर्क फोकस प्लेन कलर, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जो आपका मन हो आप वो यूज कर सकते हो। सो ये रहा प्रोसेस, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो उसके नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा करेंट एपरेचर, ठीक है। अगर इसको हम 1 कर देते हैं तो आप चेंजेस देखोगे, इसका जो ब्लर है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको डेप्थ नहीं चाहिए तो आप इसको एकदम इंक्रीज कर लो 22 तक, ठीक है। अगर आपको डेप्थ चाहिए तो आप सिंपली इसको कम करो, ये उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे नीचे मिल जाता है पोस्ट प्रोसेसिंग का ऑप्शंस, ठीक है। ब्लूम का आप ब्लूम ऐड कर सकते हो, एक्सपोजर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस है। और उसके बाद यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का भी ऑप्शंस है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर का ऑप्शन दिया है, वाइट बैलेंस या फिर कलर टेम्परेचर, दोनों में से कोई भी आप चूज करो। और यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं, मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, जैसे हम कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे करते हैं उसी तरीके का ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टिंट भी चेंज करूँगा। तो सिंपल चीज़ है गाइस, यहाँ पे आपको कैमरा के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है एडिटिंग के लिए, ठीक है। सो मैं इसे अभी ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे शेडो, कॉन्ट्रास्ट, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे डायरेक्ट एडिट कर सकते हो, कोई भी कलर करेक्शन करना हो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है फिल्म का ऑप्शन, आपको दिखा लेते हैं, आप चेंजेस देख रहे हो। आप देखो गाइस, अगर आप बिगिनर हो तो आप ट्राई करो हर एक चीज़ को खुद से समझने का, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, आप कहीं से क्लासेस भी कर सकते हो, लेकिन आप सीखोगे तब जब आप खुद ही कुछ चीज़ को ट्राई करोगे, ठीक है। जैसे ये जो फिल्म ग्रेन है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। अगर मैं खुद ही जाके यहाँ पे एक बार क्लिक करके देखूँगा तो कोई मुझे मारेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो मैं खुद से आराम से चेक कर सकता हूँ कि ये क्या है, कोई मुझे बोलने वाला नहीं है, ठीक है। मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा और इसको मैं इंक्रीज कर लूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रेन्स आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे मूवी सब में होता है, ठीक है।
सो आप चेकआउट कर सकते हो कोई भी ऑप्शंस, और एकदम आराम से आप सब कुछ कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा सीन हो गया है। सो अभी हम इसको एनिमेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लाइट सेटअप कर लेते हैं फिर से कुछ इस तरह से। सो अभी हम इसी फ्रेम पे एक शॉट लेंगे जो कि हमारा कैमरा है लेफ्ट टू राइट मूव करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सो पहले हम फोकस पे ले लेते हैं घर को। उसके बाद और एक चीज़ आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा जो कि नया होगा। आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड लेवल सीक्वेंस और ऐड मास्टर सीक्वेंस। सो आपको क्लिक करना है ऐड लेवल सीक्वेंस पर, और उसके बाद आपके पास एक सीक्वेंस आने वाला है। सो पहले इसको आप रीनेम कर दो, जैसे मैं यहाँ पे रीनेम कर दूँगा शॉट वन के नाम पे, और इसको मैं कर दूँगा सेव। सो सेव करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का टाइमलाइन आ जाएगा। जैसे आप अलग एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे देखते हो, आपके पास एक टाइमलाइन होता है, उस पर आप कुछ इमेजेस वीडियोस ऐड करते जाते हो, कट पेस्ट करते जाते हो और एडिटिंग करते जाते हो, कुछ इस तरह का ही है ये चीज़, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो कैमरा है इस कैमरा को यहाँ पर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एक बार। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सीन, हमारा शॉट जो है आ गया है। सो अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम एनिमेट करेंगे। उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको फ्रेम रेट मिलेगा, आप कौन सा फ्रेम रेट पे इसको रेंडर करना चाहते हो। यहाँ पे 240 तक है, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको 24 FPS भी मिलेगा जो कि सिनेमैटिक होता है ज़्यादातर। सो मैं यहाँ पे 24 फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक चीज़, यहाँ पे 120 फ्रेम तक है, ठीक है। तो आपको जितना सेकंड का चाहिए आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, और इसका जो वैल्यू है यहाँ पर इंक्रीज कर लेना, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 500 रख लेता हूँ ताकि मेरा 10 सेकंड तक एटलीस्ट हो जाए, ठीक है। सो अभी मैं जाऊंगा इस, ये जो पॉइंट है, ये जो सॉरी पॉइंटर है, इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो। सो इसको मैं ले जाऊंगा फर्स्ट फ्रेम पर। अभी मैं कैमरा का एनिमेशन ऐड करने वाला हूँ। सो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दूंगा तो ये फर्स्ट फ्रेम पर आ जाएगा। और उसके बाद अभी आपको चूज करना है कि आपका कैमरा को फर्स्ट फ्रेम पे कहाँ पे रखना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे कैमरा को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक की फ्रेम ऑन कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म पे। उसके बाद मैं जाऊँगा लास्ट फ्रेम पर, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है पॉइंटर, और यहाँ पे मैं अपना कैमरा जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे मूव कर दूँगा, और यहाँ पे मैं और एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा दो की फ्रेम आ गया है, तो देखते हैं। सो आप देख सकते हैं बढ़िया से एक स्मूथली मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से हो रहा है। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा फर्स्ट फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा फोकस पे ध्यान देने वाला हूँ, ठीक है। सो इसको रखते हैं 4 करंट एपरेचर को, और जब फर्स्ट फ्रेम पे होगा तब मेरा जो फोकस है इस लैंप पे होना चाहिए। सो इसको मैं सिंपली सिलेक्ट कर दूँगा, फोकस्ड इंस्टेंस का जो आईड्रॉपर है उसको लेके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ लैंप को। तो ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर आपको कर लेना है एक की फ्रेम। ये जो यहाँ पर है प्लस साइन है, ये आपका की फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड करने के बाद क्लिक कर दिए, और यहाँ पे आपको एक की फ्रेम मिल जाएगा फोकस डिस्टेंस का, ठीक है। सो ये रहा फर्स्ट फ्रेम पे, और अभी हम जाएंगे लास्ट फ्रेम पे, या फिर आप बीच में ही कहीं ऐड कर सकते हो, जैसे
मैं ऐड करने वाला हूँ इस जगह पे 192 फ्रेम पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फिर जाऊँगा आई ड्रॉपर पर और यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा हमारा जो घर है उसको, और यहाँ पे ऐड कर दूँगा की फ्रेम। सो यहाँ पे देख सकते हैं की फ्रेम्स ऐड हो चुका है। सो मैं जाता हूँ फर्स्ट फ्रेम पर और इस पर प्ले करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली यहाँ पे फोकस भी चेंज हुआ है और कैमरा भी एनिमेट हो रहा है बहुत ही स्मूथली, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टाइमलाइन का प्रोसेस, कैसे आप शॉट ले सकते हो, एक एक शॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कैमरा लिया है, आप और एक कैमरा भी ले सकते हो गाइस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक रेंडर का सेटिंग बता देता हूँ यहीं पे, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आप फिर बोर हो जाओगे। सो ये हो गया हमारा पहला शॉट। सो अभी हम इसको कैसे रेंडर करेंगे, सो सिंपली हमको जाने हैं यहाँ पे, ये हमारा रेंडर ऑप्शन। सो यहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक विंडो आ जाएगा। सो पहला यहाँ पे आपको पूछता है कैप्चर सेटिंग, इमेज आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको किस फॉर्मेट पे आपको आउटपुट चाहिए, कोई कोई जेपीजी फॉर्मेट पे निकालता है, कोई कोई एवीआई फॉर्मेट पे निकालता है, कोई कोई पीएनजी फॉर्मेट पे निकालता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ पीएनजी फॉर्मेट, ये थोड़ा हाई क्वालिटी देता है, और बाद में इसको मैं अलग एक सॉफ्टवेयर पे, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे एज ए पीएनजी सीक्वेंस ऐड करके उसको MP4 फॉर्मेट पे निकाल सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट वीडियो अगर निकालना चाहो तो आप यहाँ पे वीडियो सीक्वेंस AVI को सिलेक्ट कर सकते हो, ये डायरेक्ट आपको वीडियो आउटपुट दे देगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा PNG सीक्वेंस, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा PNG सीक्वेंस, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई ऑडियो हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ऑडियो का एक अलग सा ब्रीफली ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा कैसे आप ऑडियो के साथ वीडियो को एडिट कर सकते हो इसी के अंदर। सो यहाँ पे आप ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मिलता है रिजोल्यूशन। सो यहाँ पे आपका 4K तक ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ पे कस्टम आप अपना रिजोल्यूशन ऐड कर सकते हो जो आप चाहो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 4K तक आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपली 1920x1080 को सिलेक्ट करूँगा। और एक चीज़, यहाँ पे आप कस्टम फ्रेम रेट ले सकते हैं, यहाँ पे तो हमने पहले से फ्रेम रेट ऐड कर दिया है, सो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये उसी फ्रेम रेट पे ही एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टरी पर जाना है, यहाँ पे तीन डॉट मिलेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप जिस फोल्डर पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ पे कर लो। सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँगा आउटपुट का, और यहाँ पे मैं कर दूँगा सिलेक्ट फोल्डर। सो यहाँ पे मेरा जो फाइल है सेव होने वाला है, और यहाँ पे आपको फाइल नेम फॉर्मेट मांगता है, आप अपना जो आउटपुट मिलेगा किस नाम पे आप चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ पार्क शॉट, ठीक है, इसी नाम पे मेरा आउटपुट निकलेगा। सो यही है बस, और बाकी आपका अगर कोई यूजफुल चीज़ें हो यहाँ पे, ऑप्शंस हो, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सारा सेटिंग्स हो जाने के बाद आपको सिंपली कर देना है कैप्चर मूवी, ठीक है। सो इसको हम कर देते हैं कैप्चर मूवी, और यहाँ पे आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। हमारा जो सीक्वेंस है इसको सेव करना है, और हमारा जो शॉट है, पहला शॉट, पहला कैमरा, उसको सेव करना है, ठीक है। सो इसको सेव सिलेक्टेड कर देना है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे रेंडरिंग का जो विंडोज है वो आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही फास्ट रेंडर हो चुका है। और
आपका जो जो भी फोल्डर है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो प्रोसेस है वो आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे उसी फाइल को एज PNG सीक्वेंस JPG सीक्वेंस पे आप ओपन कर सकते हो और उसको वीडियो फॉर्मेट पे निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप AVI फॉर्मेट पे निकाल सकते हो, जो कि डायरेक्ट वीडियो फॉर्मेट पे निकलेगा, डायरेक्ट वीडियो होगा, ठीक है। सो यही है रेंडरिंग का प्रोसेस। सो अभी हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं। आपको जो जो टूल्स के बारे में बताए, जो जो चीज़ें आपको बताए, उन सब टूल्स को हम अभी यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे एक एनवायरनमेंट क्रिएशन पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरा डिफ़ॉल्ट पैनल जब आप अनरियल इंजन ओपन करते हो, ठीक है। सो मैं पहले इन सब को कर दूंगा डिलीट, या फिर मैं जाऊंगा फाइल पर, उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा न्यू लेवल, उसके बाद मैं यहाँ पे ले जाऊंगा एम्प्टी लेवल को सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई लाइट सेटअप नहीं है। सो यहाँ पे हम लाइट सेटअप क्रिएट करेंगे, जैसे आप लोगों को बताए लाइट सेटअप के टॉपिक पर, ठीक है, उसी प्रोसेस से। सो हम सिंपली जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे लाइट्स, देन ऐड करेंगे डायरेक्शन लाइट, करेंगे मूवेबल, अगेन जाएंगे हम लाइट पर, स्काई लाइट पर जाएंगे, मूवेबल, अगेन विजुअल इफेक्ट, स्काई एटमोसफियर, ठीक है। उसके बाद अगेन विजुअल इफेक्ट, गो टू वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स। अगर आपको ज़रूरत होगा वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स का, क्लाउड ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड करना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद और एक चीज़, एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग, ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक सा चीज़ें। और यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है, स्काईलाइट पे जाना है और यहाँ पे रियल टाइम कैप्चर को ऑन कर देना है, ठीक है। याद रखो गाइज, अभी मैं ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला हूँ, जो जो आपको सिखाया प्रीवियसली, ठीक है, उन सब टूल्स को मैं यहाँ पे यूज करूँगा, क्विक्सल ब्रिज को यूज करूँगा, हर एक चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लाइट सेटअप। तो अभी मैं एक लैंडस्केप यहाँ पे क्रिएट करूँगा। सो जाऊँगा यहाँ पे, उसके बाद लैंडस्केप, लैंडस्केप पे आ जाने के बाद आपको सिंपली कर देना है क्रिएट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक रिवर क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है, हमको थोड़ा सा इसका जो ब्रश साइज है इसको छोटा कर देते हैं, लाइक 1000। उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे स्कल्प्टिंग कर लूँगा, ठीक है, जैसे माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, लाइक दिस, ठीक है। सो सिंपल, मैं यहाँ पे एक रिवर क्रिएट कर रहा हूँ गाइज, मैं यहाँ पे सिंपल सा बस आपको दिखाने के लिए ये सब सिंपल चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसके बाद ये हो गया हमारा रिवर का पाथ। अभी हम इस पर ऐड करेंगे वाटर, जिसके लिए हमको जाना है यहाँ पे, उसके बाद ऑल क्लासेस पर जाके यहाँ पे सर्च करना है वाटर, और यहाँ पे आपको ले जाना है वाटर बॉडी रिवर, ठीक है। तो रिवर आ गया, और यहाँ पर आपको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, रोटेट करो, स्केलिंग करो। सो मैं इसको थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ इसका, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, लाइक 3, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिवर, ठीक है। सो अभी मैं और थोड़ा इस ये जो लैंडस्केप है इसको और थोड़ा मैं स्कल्पटिंग करूँगा, मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। सो सिंपली मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ इस एरिया पे, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा सिलेक्ट पर, और यहाँ पे अभी मैं ऐड करूँगा कुछ मटेरियल, ठीक है। सो सिंपली अभी मैं क्विक्सल ब्रिज ओपन करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा गाइज ओपन होने के लिए,
और इसके लिए आपको इंटरनेट का ज़रूरत है। सो इसको करते हैं मैक्सिमाइज और यहाँ पे हम जाएंगे सरफेस पर और यहाँ पे आप कोई भी एक ग्राउंड मटेरियल चूज कर लो। सो मैं जाऊँगा ग्राउंड पर और यहाँ पे मैं कुछ घास फूस टाइप का कुछ ग्राउंड मटेरियल चूज करता हूँ, ठीक है। सो ये वाला चूज़ करते हैं, देखते हैं क्या है ये, ना खास नहीं है। ये वाला सही है, तो मैं इसको करता हूँ डाउनलोड। मैं अभी सब कुछ लो क्वालिटी पे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी आपको दिखा सकूँ कैसा ये रिजल्ट दे रहा है, कैसे आप इन सब टूल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपना हाईएस्ट क्वालिटी चूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे सब कुछ अभी लो क्वालिटी पे चूज़ करूँगा। सो ये रहा लो क्वालिटी डाउनलोड। सो डाउनलोड हो जाने के बाद हमें कर देना है इसको एक्सपोर्ट और इसको कर देना है मिनिमाइज। सो एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास ये मटेरियल आ जाएगा। सो सिंपली आपको इसे करना है सिलेक्ट, उसके बाद आपको लैंडस्केप को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे नीचे जाके आपको मिलेगा लैंडस्केप मटेरियल। सो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो आपका मटेरियल ऐड हो गया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत रिपीटेडली एक मटेरियल ऐड हुआ है, बहुत ही गंदा दिख रहा है। सो इसको हम चेंज करेंगे, टाइलिंग इफेक्ट दे रहा है। सो यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक और यहाँ पे हमको मिलेगा टाइलिंग ऑफसेट और इसका एक्स और वाई का टाइलिंग हम चेंज करेंगे लाइक 0.1 by 0.1, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी हम इस पर और एक चीज़ ऐड करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। हम जाएंगे यहाँ पे विजुअल इफेक्ट पर जाएंगे, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम, ठीक है। और इस पर हमें जाना है नीचे और हमें ढूंढना है एक्सपोजर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपोजर का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे जाना है, यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है और इसका वैल्यू कर देना है आपको 1 by 1, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर से सर्च कर देना है अनबाउंड और यहाँ पे इसको कर देना है क्लिक। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक्सपोजर है, लाइट का जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे कंट्रोल हो गया है, ठीक है। सो अभी हम बाकी सब चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि कुछ पेड़ पौधा और कुछ पत्थर, कुछ घास फूस, ये सब रखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे पहले हम थोड़ा माउंटेन टाइप का, छोटा सा माउंटेन टाइप का कुछ ऐड करते हैं, जैसे नदी के पास होता है। सो मैं जाऊँगा लैंडस्केप पर और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रश का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। हल्का सा आप ब्रश करें ताकि ये थोड़ा ऊंचा लगे जगह, ये जो जगह है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे कि एक छोटा सा पहाड़ है, छोटा सा पहाड़, ठीक है, क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, और उसके साइड पे एक नदी गया हुआ है, ठीक है, उसी टाइप का एक सीन हम बना रहे हैं, जैसे आप इंट्रो पे देखे होंगे उसी टाइप का, ठीक है। और अगर आपको इसको वापस लेना है तो सिंपली शिफ्ट क्लिक करके वापस ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सीन। सो अभी हम इसी पे काम करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, इस पे हम कुछ पेड़ पौधा ऐड करेंगे, ठीक है। सो क्विक्सल ब्रिज पे तो आपको पेड़ पौधा मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस प्रोजेक्ट को कर देना है सेव, ठीक है, सेव ऑल कर देना है और इसको हम रीनेम कर देते हैं एनवायरनमेंट, सॉरी स्पेस नहीं जाएगा, क्रिएशन, ठीक है। आप कोई भी नाम पे सेव कर लो इस प्रोजेक्ट को पहले। सो सेव कर लिए हम और इसको कर देना है क्लोज। उसके बाद हमको जाना है एपिक लॉन्चर पर और उसके बाद आप जाइए मार्केट प्लेस पर, ठीक है। मार्केट प्लेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा मेगास्कैन ट्री, ठीक है, या फिर आप सिंपली ट्री भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेगास्कैन ट्री सर्च करता हूँ,
तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा जो कि कम्प्लीटली फ्री है। आपको बहुत ही तरह तरह का पेड़ आपको देता है, ठीक है, 3D वाला एकदम हाई क्वालिटी पे। सो इसको आपको क्लिक कर देना है और इसको सिंपली ऐड टू प्रोजेक्ट या फिर आपको जो ऑप्शन दिखाएगा डाउनलोड करने के लिए वो आपको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जाइए लाइब्रेरी पर और डाउनलोड हो जाने के बाद आपको वो जो एसेट है यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे दिख रहा है मेगा स्कैन ट्री यूरोपियन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऐड टू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाएगा। सिंपली आपका जो प्रोजेक्ट है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है आप उस पर क्लिक करो और ऐड टू प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है। सो मैंने पहले से ऐड कर लिया है, सो मैं अभी इसको क्लोज कर लेता हूँ और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करता हूँ। सो इसी तरीके से आप कोई भी एक एसेट मार्केट प्लेस से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने डाउनलोड किया था मेगा स्कैन ट्री, सो उसको यहाँ पे यूज करने के लिए आपको सिंपली जाना है कंट्रोल स्पेस पर। तो यहाँ आपको यहाँ पे मिलेगा कंटेंट का फोल्डर, उसके अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक एल्डर के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसी के अंदर ही हमारा मेगा स्कैन ट्री जो है वो आ गया होगा, ठीक है। सो हम जाएंगे ब्लैक एल्डर के अंदर, उसके अंदर हमको मिलेगा बहुत सारा ऑप्शंस, यहाँ पे टेक्सचर्स मटेरियल्स मैप वगैरह है, ठीक है। सो हम जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर और इसके अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सिंपल विंड एंड पाइवोट पेंटर। तो जाएंगे पाइवोट पेंटर के अंदर और यहाँ पे वो सारा का सारा पेड़ पौधा है जिसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, इस पर हम हवा भी दे सकते हैं, ठीक है, विंड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली हमको क्या करना है, हमको करना है ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से, ठीक है। और इसका हम स्केलिंग भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सीन क्रिएशन। सो पहले मैं अपना एक कैमरा क्रिएट कर लूँगा ताकि मैं एक फ्रेम पे ही वो सब पेड़ पौधा ऐड कर सकूँ, अननेसेसरी एरिया पे मुझे ऐड नहीं करना है, ठीक है। सो मैं जाऊँगा यहाँ पर, उसके बाद जाऊँगा सिनेमैटिक पर और एक सिने कैमरा एक्टर ऐड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे स्नैप ऑब्जेक्ट टू व्यू को क्लिक कर देना है। उसके बाद पर्सपेक्टिव पे जाना है और यहाँ पे सिनेमैटिक चूज कर लो और एक बार सिनेमैटिक कैमरा एक्टर को चूज कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आप लेंस चेंज कर लो अगर आपको मन है तो चेंज करने का। सो कुछ इस तरह का रहेगा मेरा व्यू पोर्ट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे अलग अलग टूल को आप यूज कर सकते हो। आप हाई क्वालिटी पे ये सब एसेट डाउनलोड करो और बनाओ टाइम लेके, क्योंकि बहुत टाइम लगता है अच्छा चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वन बाय वन एक एक पेड़ पौधा ऐड करते जाऊँगा और इसका मैं साइज कर लेता हूँ इंक्रीज कुछ इस तरह से। उसके बाद और एक पेड़ यहाँ पे, इसका पोजीशन थोड़ा नीचे करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये वाला पेड़ और यहाँ पे ये वाला। सो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और एक प्रोसेस से जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको पहले सेव कर लेते हैं। सो इसको हम एज ए फॉलीएज यूज करने वाले हैं। सो हमको जाना है यहाँ पे सिलेक्ट मोड पर और यहाँ पे हमें नीचे मिलेगा फॉलीएज का ऑप्शन। फॉलीएज क्या है, इसके सहारे हम एक ब्रश को यूज करेंगे, ब्रश टूल को यूज करेंगे और जहाँ जहाँ पे हम उसको अप्लाई करेंगे, ब्रश करेंगे, उसी जगह पे ये पेड़ पौधा आ जाएगा। सो आपको दिखाते हैं इसे कैसे करना है। सो सिलेक्ट कर लो फॉलीएज, उसके बाद आप सिंपली कंट्रोल स्पेस अपना कॉन्टेंट ब्राउजर खोलो और आपको जो जो पेड़ यहाँ पे अप्लाई करना है उन सब को आप चूज कर लो, ठीक है। सो यहाँ जब जो राइट साइड पे है, नदी के राइट साइड पे, मैं यहाँ पे जितना भी पतला वाला पेड़ पौधा है मैं सेलेक्ट करके अप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे ये वाला और एक ये वाला, मैं सॉरी ये सारा सिलेक्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट। ये कुछ पेड़ पौधा है, आप अपने मन के हिसाब से जो भी आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो। मैं इतना अभी यूज करने वाला हूँ, सिंपली आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और शिफ्ट क्लिक करके
लास्ट वाला जो ट्री है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको चेक मार्क भी आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार आप चेक मार्क कर लीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसका ब्रश साइज भी थोड़ा चेंज करता हूँ, लाइक 100। और उसके बाद सॉरी मैं थोड़ा कैमरा को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा ब्रश किया, ब्रश अप्लाई किया तो ये आ गया था, ठीक है। सो हमें यहाँ पे अभी सिर्फ लैंडस्केप पे अप्लाई करना है, तो इसलिए बाकी सब चीज़ आप डिसलेक्ट कर लो और ब्रश साइज जो है आप इंक्रीज़ कर लो एक बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज सा आ गया है। सो इसका हम डेंसिटी और बाकी थोड़ा चेंजेस करेंगे, नहीं तो हमारा सिस्टम जो है क्रैश हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा सिस्टम एकदम साउंड करने लगा है। सो इसका इंटेंट पेंट डेंसिटी करते हैं 0.1। और नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको कर देना है 1। चेंज करके देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर से हम अलग वैल्यू डालेंगे। और यहाँ पे इसका जो स्केल है इसको हम 1/2 रखते हैं। सो अभी अप्लाई करके देखते हैं, अभी ये सही है हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस पे ये अभी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आपको चारों तरफ यूज पेंट करने का ज़रूरत नहीं है, जितना आपका कैमरा फ्रेम होगा बस उसी एरिया पे आप पेंट करो, ठीक है। सो जैसे मुझे मेरा जो फ्रेम होगा ये पहाड़ के उस तरफ दिखेगा नहीं, ये जो छोटा सा पहाड़ है आपको दिखा देता हूँ, ये जो पहाड़ एरिया है, ठीक है, उसके उस तरफ तो फ्रेम पे दिखेगा नहीं, तो सिर्फ मैं इस पहाड़ के ऊपर ही अप्लाई करने वाला हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ये हो गया, और थोड़ा इधर जाके यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप इसी प्रोसेस से यूज कर सकते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। सो अभी मैं जाता हूँ सिलेक्ट मोड पर, और कहाँ गया, सो ये रहा मेरा रिवर, सॉरी हम इस तरफ से फ्रेम लिए थे। सो ये रहा मेरा रिवर, ठीक है। और अभी हम इस पे और भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सो आप अपना दिमाग लगाओ, अपना आइडियाज़ लगाओ, कैसे आपको सीन चाहिए, बहुत ही प्यारी चीज़ें अनरियल इंजन, ठीक है। आप अगर कोई सपना भी देख रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं थोड़ा खाली खाली लग रहा है, जो पेड़ पौधे के पीछे, यहाँ पे हम कुछ पहाड़ टाइप का कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं और इसको यूज करेंगे। हम डाउनलोड करके रखे थे शायद, सो मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा लोकल पे, ठीक है। आप यहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली जाओ 3D एसेट पर, उसके बाद नेचर पे जाओ और यहाँ पे रॉक पे जाओ आप, उसके बाद आप इन सब में से कोई भी एक डाउनलोड कर लो, ठीक है। देखते हैं क्लिफ पे क्या ऑप्शन है, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अभी के लिए लो क्वालिटी पे। आप हाई क्वालिटी पे करना अगर आपको ज़रूरत है तो, मैं बस आपको दिखाने के लिए इन दोनों को लो क्वालिटी पे यूज़ कर रहा हूँ। हो जाने के बाद मैं दोनों को कर दूंगा एक्सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है, और इसको कर दूंगा क्लोज। सो इसको भी मैं कर दूंगा क्लोज, और कंट्रोल स्पेस दबा के जब मैं जाऊंगा मेगा स्कैन फोल्डर पर, यहाँ पे मेरा 3D एसेट्स है। सो यहाँ पे कुछ मैंने पहले से डाउनलोड करके भी रखा था, वो सब यहाँ पे है। सो मेरा जो अभी हम जो डाउनलोड किए थे ये है और ये वाला है। सो सिंपली मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरफ से, और इसका स्केल कर देता हूँ 10, और इसको हम कर देंगे रोटेट, ठीक है, इस तरह से। और इसका पोजीशन जो है थोड़ा पीछे ले लेते हैं, आप अपना व्यू पोर्ट चेंज करके भी चेक कर सकते हो, बाद में अपना पर्सपेक्टिव पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको मैं कर दूंगा डुप्लीकेट बाय ऑल्ट एंड मूव, ऑल्ट प्रेस करना है आप, और उसी
जो भी ऑब्जेक्ट को आपको डुप्लीकेट करना है उसको सिलेक्ट करके मूव करना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो अपने व्यूपॉइंट पे जाते हैं, सॉरी व्यूपॉइंट पे इसे नीचे तो ये था मेरा एंगल, ठीक है। और अभी हम इस पर और भी कुछ छोटा मोटा चीज़ें, इसको मैं 50 mm रखता हूँ ताकि और अच्छा दिखे। नहीं नहीं 30 mm भी सही है, ठीक है। सो अभी हम इस पर कुछ पत्थर ऐड करेंगे, कुछ स्कैटर ऐड करेंगे, कुछ घास फूस सब कुछ ऐड करेंगे। सो सिंपली मैंने पहले से डाउनलोड किया है, मैं जाऊंगा क्विक्सेल ब्रिज पर और मेरा सारा डाउनलोड एसेट्स लोकल पे होता, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको नहीं, ये नहीं यूज करेंगे, ये जो पत्थर सब है ये मैं यूज करने वाला हूँ। सो इसको कर देता हूँ डाउनलोड, कभी कभी डाउनलोड हुआ होता है लेकिन रिमूव हो जाता है, फिर से डाउनलोड करना पड़ता है। सो ये हो गया हमारा सब पत्थर, छोटा छोटा स्कैटरिंग पत्थर है, ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया। तो इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट ताकि सारा का सारा हमारा कंटेंट लाइब्रेरी पर आ जाए। इसको भी क्लोज करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे फिर से कंटेंट ब्राउजर पर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे ये जो लिखा हुआ है स्मॉल रॉक पैक, ये सारा का सारा हमारा स्कैटरिंग वाला है। सो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरह से, या फिर हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे जैसे हम पेड़ पौधे के लिए किए चारों तरफ डालने के लिए, ठीक है। सो सिंपली मैं फिर से जाऊंगा फॉलिएज पर और यहाँ पे मैं देख लूँगा सारा का सारा जो पेड़ है वो डिसलेक्टेड है, ठीक है। सो अभी मैं इन सब को करूँगा ऐड, जितना भी रॉक है छोटा छोटा। सो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक इसको ऐड कर दूँगा, फिर से दूसरा फोल्डर जो है वहाँ पे जाऊँगा, सारा का सारा एसेट है ऐड कर दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं इन बस इतना ही यूज करता हूँ। सो इन सब को करते हैं सिलेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक सब सिलेक्टेड है। और याद रखो पेड़ पौधा सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो सब भी अप्लाई होने लगेगा। और इसका जो साइज है इसको करते हैं 0.1 से लेके 3 तक, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो हम वैल्यूज़ भी चेंज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक ही ठाक है, इसका वैल्यू और थोड़ा 5 कर लेते हैं। और ब्रश साइज जो है आप अपने हिसाब से रखो, मैं इतना रखता हूँ 100 पे, ताकि मैं कोई कोई जगह पे ही इसको अप्लाई कर सकूँ। मैं जाता हूँ नदी के पास, ठीक है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो स्केलिंग है आप इंक्रीज भी कर सकते हो और ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। मैं जो चाहूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ अभी इस तरह से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगा, बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूज कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा फिर से क्रैश हो जाएगा, ठीक है। सो मैं जाऊँगा फिर से सिलेक्ट पर और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधा ऐड हो गया, पत्थर ऐड हो गया, अभी हमको घास ऐड करना है, ग्रासेस, ठीक है। सो ग्रासेस भी है, डाउनलोड किया हुआ है पहले से। सो मैं फिर से जाऊँगा क्विक्सेल ब्रिज पर, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अपना प्लान करो और जो जो चाहिए आप पहले डाउनलोड कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, उसके बाद भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद एक्सपोर्ट करके, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, उसी तरीके से आप कर सकते हो, आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हो प्री प्लानिंग के साथ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा लोकल्स पर और यहाँ पे नीचे मुझे मिल जाएगा ये वाला लेंगे और इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, बस इन सब को मैं अभी यूज़ करूँगा।
सब लो क्वालिटी पे ही है, ठीक है। आप लोग अपना टाइम लो, अपना इमेजिनेशन यूज करो और आपका अपना सपनों की दुनिया क्रिएट करो जैसे आपको अपने प्रोजेक्ट पे चाहिए, ठीक है। सो मुझे लगता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर रहा कितना स्पीड पे ये सब डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए मेरा लो क्वालिटी है फिर भी ये थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री है हमारे लिए अभी। सो सारा का सारा डाउनलोड हो गया है तो इसको करते हैं एक्सपोर्ट और इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। सो अभी हम इस पर ग्रासेस ऐड करेंगे। सो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे नीचे 3D प्लांट्स पर और यहाँ पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक दिखा लेता हूँ ये वाला। सो मैं इसको लूँगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और इसका साइज मैं कर लूँगा 5, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही रियलिस्टिक है, ठीक है। आप अपना एंगल चेंज कर करके इसको यूज करो, ठीक है, इसको रोटेट करो, मूव करो, कुछ भी करो, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। और आप दूर दूर तक भी इस सब पे वही प्रोसेस पे भर सकते हो जो फॉलिएज वाला ऑप्शन है, ठीक है। सिंपली इन सबको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 3D प्लांट्स के लिए आपको ऐड करना नहीं पड़ेगा फॉलिएज पे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने डाउनलोड किया लेकिन फॉलिएज पे हम लोग ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। सो देखते हैं, हम जाएंगे फॉलिएज पर और आपको यहाँ पे पहले से ही फॉलिएज पे आ चुका होगा। आप देख सकते हैं ये जो घास सब है वो पहले से आ गया है, ठीक है। सो आपको बस सिंपली इसको एक बार देख लेते हैं, ये पत्थर सब सिलेक्टेड है, इसको करते हैं क्लोज, सॉरी इन सब को डिसलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप एक ही बार पे सारा का सारा सिलेक्ट करके भी डिसलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा, डिसलेक्ट हो गया है। अभी हम हमारा जो घास है, ग्रासेस है, उन सब को यूज़ करेंगे। सो मैं इन सब को यूज करके आपको दिखाता हूँ बस एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। और आप इन सब का वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डेंसिटी में 1 रखता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं एक अप्लाई भी हो चुका है। ब्रश साइज थोड़ा छोटा करते हैं और सॉरी यहाँ पे ये जो है इरेज पे आ चुका है। सो सिंगल पे जाना है यहाँ पे, या फिर पेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ब्रश साइज थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करो, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ओह, इसका जो स्केलिंग है ये छोटा है इसीलिए हमको दिख नहीं रहा है। सो इसको हम 10 कर देते हैं एक बार, सॉरी 5x5 करते हैं और इसको हम अप्लाई करेंगे। सो आप देख सकते हैं अभी सही स्केल पे आ रहा है, और भी जगह पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, सो इसका हम स्केलिंग अगर छोटा कर दें तो ये इस तरह से, शायद हमारा पत्थर भी सिलेक्ट हो गया है अभी। सो देख लेते हैं एक बार कौन सा पत्थर हमारा सिलेक्टेड है, ये वाला, ठीक है, हमारा पत्थर भी सिलेक्ट हो गया था। सो आप बस ब्रश करते जाओ, ये आता जाएगा। इसको 1 करने से आपका ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। आप यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज कर लो, आपका भरता जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आप ब्रश करते जाओगे वहाँ पे ये होता जाएगा। सो यही है प्रोसेस, अपना आइडिया यूज करो, क्रिएट करो, टाइम लो और हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, तो तभी जाके चेंजेस होगा, आप सीख पाओगे, प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाते ले जाएगा, ठीक है।
सो यही था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, 1% भी हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपको इस तरीके का वीडियोस चाहिए या फिर इससे भी एडवांस लेवल का अनरियल इंजन वीडियोस चाहिए तो मैं लेके आऊँगा। आप वीडियोस पे कमेंट करो। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए अनरियल इंजन के अंदर, तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बिगिनर्स फ्रेंडली के लिए भी है। सो जाके चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियोस पे। हैव ए नाइस डे।